सब्सक्राइब करें हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री। पिछले काफी समय से सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई चर्चा में है। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है और यह आने वाली ईद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी। पिछले 11 सालों में सलमान खान की लगातार 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 या 200 या 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है। इनमें कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यूज भी मिले हैं, लेकिन टिकट खिड़की पर इन्होंने धुंधाधार कमाई की है। इन फिल्मों में ट्यूबलाइट, रेस 3 और भारत जैसी फिल्में शामिल हैं। सलमान के इस जलवे को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर सलमान की पहले फ्लॉप हो चुकी फिल्में अब रिलीज होती तो शायद आराम से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती। आइए जानते हैं सलमान की ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में जो शायद अब रिलीज होती तो धमाल मचा देती। नंदन ड्रीम्स। सलमान खान की यह फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। क्योंकि इट्स फैट। साल 2005 में प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक बेहद इमोशनल लव स्टोरी पर आधारित थी। खामोशी द म्यूजिकल। संजय लीला भंसाली की यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन यह एक बेहद खूबसूरत फिल्म थी। यह है जलवा। साल 2002 में रिलीज हुई डेविड धवन की यह कॉमेडी फिल्म भरपूर मसालों से भरपूर थी, लेकिन फिर भी दर्शकों ने इसे नकार दिया था। तुमको न भूल पाएंगे। साल 2002 में सलमान खान की यह फिल्म रिलीज तो हुई लेकिन एक्शन से भरपूर थी। सब्सक्राइब करें हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हिंदी फैक्ट्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें।